हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वेज बर्गर, जो कि बहुत कम आइटम में और बहुत कम समय में आप घर पे बना सकते हैं या होटल रेस्टोरेंट में बना सकते हैं। और इसको बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए कैसे बन रहा है। ये हमारा सब मटेरियल है और इसके बाद हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कैसे बन रहा है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आलू को उबाल के रखा था और उसके बाद में इसको हम ग्रेट कर रहे हैं, कद्दूकस कर रहे हैं। और कद्दूकस करने के बाद में इसमें हम मसाले डाल रहे हैं, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आलू हमारा ग्रेट हो गया है और इसके बाद में हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मसाले में सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक आप लोग अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा इसको चटपटा करने के लिए, और थोड़ा किचन किंग डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्का सा कसूरी मेथी डालेंगे। और इसके बाद में इसको हम खूब अच्छे से मैश करेंगे। मैश कर रहे हैं आप देखिए, इसको खूब अच्छे से मैश कर देंगे इसमें, ताकि रोड़ी ना रहे, जिससे इसका जो टिक्किया बनाते हैं वो टिक्की बनाने में आसान हो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है आलू का टिक्किया का वो आलू मैश हो गया अच्छी तरह से। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और कॉर्नफ्लोर यानी मतलब आरा रोट डालेंगे, जिससे जो हमारा टिकिया बनेगा तेल में ये फूटेगा नहीं और ये इसके अंदर तेल नहीं जाएगा, ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और फ्राई करने के बाद में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं फ्राई करके कितना बेहतरीन ये फ्राई हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने आलू को मैश करके उसका टिक्की का शेप तैयार कर लिया है, और इसका शेप जो बनाएंगे वो बर्गर के साइज का बनाएंगे, जिससे कि बर्गर पर आसानी से आ जाए, ना बहुत मोटा रहेगा ना बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। आप लोग देखिए, ये हमारा बर्गर है, बर्गर के ही साइज का इसका शेप बनाएंगे, ताकि इसको उसमें रखने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको तेल में डाल दिया है और ये हमारा जो है बर्गर का टिकिया फ्राई हो रहा है, और फ्राई करने के बाद में आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे ये बहुत ही लजीज बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बर्गर का टिकिया बनके तैयार हो गया। देखिए कितना ये क्रिस्पी क्रंची लग रहा है। इसको हमने तेल में फ्राई कर दिया है अच्छे से, और फ्राई करने के बाद में अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। बर्गर का बेस जो होता है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे इसको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, हमने बर्गर के बेस को जो है इसको हमने तावे पर सेंकने के लिए रख दिया है, और तावे पर रखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, या अगर बटर हो आपके पास तो बटर लगा दीजिए, और उसके बाद में इसको अच्छे से सेंकिए, सेंक के इसको लाल कर दीजिए। देखिए बर्गर हमारा सिक रहा है, कितना बेहतरीन इसमें कलर आ रहा है, ये सेंका जा रहा है अच्छे से, ये देखिए। हाँ, दोनों साइड से इसको पलट पलट के सेंकना है, उसके बाद में फिर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये बर्गर हमारा निकल के आ गया है वहाँ से, देखिए कितना अच्छे से हमने इसको फेंका है बिल्कुल लाल करके, जिससे थोड़ा करारापन आ जाएगा, और टिकिया भी हमारी तैयार है। तो चलिए अब आपको बता रहे हैं इसमें करना क्या है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इसमें केवल जो है ये टमाटो केचप डालना है आपको थोड़ा सा इसके ऊपर, और एक पे डालना है आपको थोड़ा सा चिल्ली सॉस, ये जो ग्रीन चिल्ली सॉस आता है इसको डालना है, और उसके बाद में इसको आपको मिला देना है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिला दिया है दोनों में अच्छी तरह से, और मिलाने के बाद में इसके, और इसमें जो है जो इसका सबसे मेन बेस है, हम एक आता है मेयोनीज सॉस, जो मार्केट में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा मेयोनीज सॉस। ये देखिए क्रीम टाइप में होता है ये, इसको आप लोग आराम से इस पे लगाइए, और लगाने के बाद में इसको इसके ऊपर जो है हम खीरा और प्याज और टमाटर हमने पहले से काट रखा है इस पे लगाएंगे, उसके बाद में इस पे हम जो हमने टिकिया बनाया था आलू का उसको लगाएंगे, और लगाने के बाद में इसके ऊपर से फिर हम मेयोनीज सॉस को लगाएंगे खूब अच्छी तरह से, जिससे हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप लोग घर पे ट्राई करिए, देखिए कैसा बन रहा है ये। और ये बन के हमारा जो है तैयार हो गया है, और इसके ऊपर से हमने दूसरा वाला हिस्सा इस पे रख दिया है, और रखने के बाद में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और हम इसको जा रहे हैं काटने, आप लोग देखिए कैसे कट कर रहे हैं, खाने में आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए ये हमारा बर्गर बनके एकदम तैयार हो गया है, इसको बीच से हमने काट दिया है ताकि इसको खाने में आप लोगों को आसानी हो सके। और आप लोग इसको ट्राई करिए, घर पे बनाइए, अगर अच्छा लगे टेस्ट आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको बना बना के ज़रूर टेस्ट करिए। धन्यवाद आप लोगों का।